38 किलोमीटर्स का सफ़र करके आज मैं पहुंच रहा हूं एक गांव जिसका नाम है रनसुरा। यहां मेरी बड़ी बुआ जी का परिवार रहता है। मैं 2-3 साल की उम्र में आखिरी बार इस गांव में आया था और उसके बाद आज जा रहा हूं करीब करीब 35 या 36 सालों के बाद। आप भी देखिए कैसा है ये सफ़र, ये रास्ते, ये घुमावदार गांव की सड़कें और गांव के लोग। बेटा रनसुरा यही रास्ता जाएगा? रनसुरा हाँ यही रास्ता है। ठीक है बेटा। लीजिए एक गांव मैंने क्रॉस कर लिया, अब मैं रनसुरा वाली सड़क पे निकल चुका हूँ। गांव के बाहर निकलते अब तो ये गोबर कचरे की महक आँख नाक में लगती है। तो ये जो गांव क्रॉस किया इसका नाम है दुखछड़ी। अब मैं दुखछड़ी से रनसुरे की तरफ निकल चुका हूँ। छोटी सड़क है, गाड़ियाँ यहाँ से जाएंगी। एरो लिखा हुआ दिखा है जिसके हिसाब से रनसुरा इस तरफ है और इस तरफ चल के आप पहुँच जाएंगे सहारनपुर। तो हो सकता है वापसी में मैं यहीं से लेफ्ट टर्न लूँ सहारनपुर के लिए। काफ़ी बदल गया है हिंदुस्तान, मेरा देश बदल रहा है, गाँव बदल रहे हैं। हमें जो तरक्की और बिल्डिंग और हाईवे और फ्लाईओवर सड़कें शहरों में दिखती हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में भी नज़र आता है। और मैं क्योंकि 15 साल बाद इन सड़कों पे जा रहा हूं तो मैं कंपेयर कर सकता हूं कि पहले यहां की सड़कें कैसी थी और अब क्या हैं। माना छोटी हैं सड़कें पर यहां की ज़रूरत के हिसाब से सफिशेंट हैं। यहाँ छोटी सड़क होने के बावजूद आपको ये ट्रैफिक जाम जैसी सिचुएशन नहीं दिखती क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी गांव में अभी भी काफ़ी हद तक कम है। ये कप्तान का घर किधर पड़ेगा? कप्तान का घर कप्तान के वाले सोनू सोनू कितना दूर आ गई है? ओके इधर है। अच्छा जी ठीक है। नमस्ते जी, सोनू का घर यही है क्या? कप्तान का घर है ना, पिंटू और का। अच्छा ठीक, सही जगह पहुंच गया मतलब। ठीक है जी, क्या हाल है सोनू भाई? मैं चंडीगढ़ से। कैसे हो? साइकिल पे आया? हाँ साइकिल पे आया। नमस्ते जी, नमस्ते जी, हेलो जी, नमस्ते, नमस्ते बेटा। अच्छा जी, पिंटू कहाँ है? मैं फ़ोन कर देता हूँ। अभी तो ताजपुर से आ रहा हूँ, अभी ताजपुर से आया। हाँ साइकिल पे, मतलब चंडीगढ़ से पहले मैं डंगेड़े पहुंचा। फिर हाँ जी पहुंच गया घर में। आप ठीक हो? होगी चालू होगी चालू होगी वीडियो बननी है। अब जा देख लिया थोड़ी देर में चालू हो गया। ये जीना है, ये पेड़ है, ये दक्ष भैया है, ये गाय है, ये बाथरूम है, ये नलका है, ये भी गाय है, ये बछड़ा है, ये भी बछड़ा है, ये नींबू है, वो अमरूद है, ये भी नींबू है, और ये बैंगन है। ये दक्ष भैया की ऑफिस है, ये देखो सर पे ऑफिस है दक्ष भैया की। ये ट्रैक्टर है, ये पेड़ है, ये ट्रॉली है,
ये आड़ू का पेड़ है, ये अमरूद का है, नीम का, और ये पपीते का, ये तुलसी का, और ये फूल का। बस से भी देख लो ये ना बाबू रे। ये सबसे बावली लड़की सबसे बेवकूफ लड़की है जी, देख लो सर एक बार। ये सबसे बेवकूफ लड़की भाग पड़े एकदम बस। इसमें किस तरह पता चल जाएगा सीरा है कि बिला हुआ है कि गदर है। अरे पीछे लगा लियो ना, पेड़ पे चढ़ जाओ, ड्रोन उड़ा लो। तो जरूरी थोड़ा ही जैसा करेंगे तैसे ही हो जाएंगे। हाँ गर्मी में अपने आप ही हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। अब जब फट जाएंगे मेरे जब डबल रोल चला दस्ताने पहन के काम क्या करो, दस्ताने पहन रहे हो चलने चलते नहीं काम छोल में चलता ऐसे नहीं है, हर तरह के दस्ताने हैं प्लास्टिक उसके भी यार कहीं पसीना हुआ ना क्या, तो थोड़ी देर के बाद पसीना आ जाए। आइयो मामा जी, है ना ठीक है मामा जी, इस बार आओगे ना ढंगेड़ा, आइयो जरूर ठीक है मामा जी। पहले अपना गांव घुमाओ फिर खेत घुमाओ। ताजपुर में मेरे को झूठ यहाँ दिखने शुरू होगी झूठ। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि गांव के चरखी में गुड़ कैसे बनता है और लेकर चलूंगा खेतों में। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलेंगे अगले एपिसोड में।